जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के किसी भी कोर्स में, चाहे आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो, कोई सा भी ईयर हो दोस्तों, अगर आपने ये काम नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वरना आप अपनी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, कौन सा वो काम करना है और कौन सा काम करने के बाद ही हम अपना परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारे परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें 31 मई कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 31 मई कर दी गई, मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी बता दिया, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया था उसके माध्यम से भी बता दिया है। अगर आपने परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए तो अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जब तक हम अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरते हैं, जब तक हम अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हैं, तब तक हम अपनी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अब दोस्तों, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए तो इसीलिए दोस्तों वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके लिए जिन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, जिन्होंने भर दिया है उनको तो कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन जिन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, अब इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। आपकी परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। सबसे पहले जीबाजू यूनिवर्सिटी के द्वारा एक कदम उठाया गया है और धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी जो कि नोटिफिकेशन जारी करते जाएंगे और जो परीक्षा की तारीख है उनको भी आगे बढ़ाती जाएंगी। तो 12 मई को रात को 9 बजे के टाइम पर ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है, जीबाजू यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर देना, अभी जीबाजू यूनिवर्सिटी के द्वारा है, अब धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा भी जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि स्नातक बीए बीकॉम बीएससी बीएससी होम साइंस फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर अभी सेकंड सेम के स्टार्ट नहीं हुए, तो अभी बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर और स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनकी परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। तो थर्ड ईयर की और जो फोर्थ सेमेस्टर की तो उनकी 20 मई रखी गई थी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उनकी अब 31 मई कर दी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश शासन की उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार जारी नवीन निर्देशों के अंतर्गत कोरोना कर्फ्यू को दृष्टिगत रखते हुए बिना विलंब शुल्क के साथ स्नातक बीए बीकॉम बीएससी के जो फॉर्म है महाविद्यालय के एवं सीबीसीएस, अब महाविद्यालय और सीबीसीएस क्या होता है, आपने जिस जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन लिया, और सीबीसीएस यानी कि आपने डायरेक्टली जीबाजू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हॉल में अगर आपने एडमिशन लिया। सीबीसीएस का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि आपने यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया है, तो सभी के लिए यानी कि जीबाजू यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की परीक्षा फॉर्म, जी हाँ दोस्तों, परीक्षा फॉर्म जमा करने की ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 30 मई 2021 कर दी गई है। अब आप 30 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों, परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, किस तरह से परीक्षा फॉर्म भरना है इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना दिए हैं मैंने, तो लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, और दोस्तों, एक दो दिन में परीक्षा फॉर्म भरने की जो लिंक है एक्टिवेट कर दी जाएगी, 12 मई को रात को 9 बजे जो कि नोटिफिकेशन आया है, तो लगभग जो 12 मई यानी कि एक दो दिन का तो समय लगता है, लॉकडाउन भी चल रहा है तो 10% स्टाफ भी आ रहा है, तो 14 मई को सुबह के टाइम जो कि 12-1 बजे के टाइम पर 14 मई को लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर की परीक्षा फॉर्म भरने की। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज मिल सकेगी। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।